आज हम करेंगे महत्वपूर्ण राष्ट्र एवं अंतरराष्ट्रीय दिवस, नेशनल एंड इंटरनेशनल डेज, जो कि हम हर साल उसी दिन मनाते हैं जिस दिन वो तय किया गया है। चलिए देखते हैं कुछ राष्ट्र एवं अंतरराष्ट्रीय दिवस यानी नेशनल एंड इंटरनेशनल डेज। सबसे पहले हम जनवरी के दिवस करेंगे, डेज करेंगे, फिर जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल के हम इस टॉपिक में करेंगे, नेक्स्ट मंथ के हम नेक्स्ट टॉपिक में करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जनवरी में जो नेशनल एंड इंटरनेशनल डेज आते हैं, सबसे पहले होता है प्रवासी भारतीय दिवस। ये जनवरी में आने वाले डेज हैं, भारतीय प्रवासी दिवस, जो कि 4 जनवरी को मनाया जाता है, प्रवासी भारतीय दिवस। नेक्स्ट है विश्व हिंदी दिवस, विश्व हिंदी दिवस, जो कि 9 जनवरी को मनाया जाता है, विश्व हिंदी दिवस। नेक्स्ट है राष्ट्रीय युवा दिवस, राष्ट्रीय युवा दिवस, जो कि 12 जनवरी को मनाया जाता है। थल सेना दिवस, थल सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है, थल सेना दिवस 15 जनवरी। भारत पर्यटन दिवस, भारत पर्यटन दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है, भारत पर्यटन दिवस। गणतंत्र दिवस यानी कि रिपब्लिक डे, वो मनाया जाता है 26 जनवरी को। अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क उत्पाद दिवस, अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क उत्पाद दिवस, जो कि 26 जनवरी को ही मनाया जाता है। नेक्स्ट है सर्वोदय दिवस, शहीदी दिवस और कुष्ठ निवारण दिवस। ये तीनों दिवस कौन सा है? सर्वोदय, शहीदी और कुष्ठ निवारण दिवस, तीनों 30 जनवरी को सेलिब्रेट किए जाते हैं। ये जनवरी के महीने में आने वाले डेज हैं। अब हम फरवरी में देखते हैं, फरवरी में जो डेज आते हैं, विश्व कैंसर दिवस, ये मनाया जाता है 4 फरवरी को, 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। गुलाब दिवस यानी जो रोज डे बोलते हैं, वो 12 फरवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट वैलेंटाइन्स दिवस यानी वैलेंटाइन्स डे, ये 14 फरवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी को मनाया जाता है। केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस, ये 24 फरवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, ये 28 फरवरी को मनाया जाता है। अब फरवरी के खत्म हो गए, अब हम मार्च को करेंगे। मार्च में जो डेज आते हैं, मार्च में कौन कौन से डेज आते हैं, सबसे पहले है विश्व वन्य जीव दिवस, वन्य जीव दिवस, वो 3 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस, राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस, ये 4 मार्च यानी 4 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, वो वुमेन्स डे, जो इंटरनेशनल वुमेन्स डे, वो 8 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट है KO सुरक्षा बल की स्थापना दिवस, ये 10 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस, ये 15 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है। आयुध निर्माण दिवस, ये 18 मार्च को मनाया जाता है। विश्व खुशहाली दिवस एवं विश्व गौरैया दिवस, दो, विश्व खुशहाली दिवस और विश्व गौरैया दिवस, ये 20 मार्च को सेलिब्रेट किए जाते हैं। नेक्स्ट है विश्व वानिकी दिवस, विश्व वानिकी दिवस, ये 21 मार्च को मनाया जाता है। विश्व जल संरक्षण दिवस, ये 22 मार्च को
सेलिब्रेट किया जाता है। इसके अलावा है भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु के शहीद दिवस। शहीदी दिवस के तौर पे विश्व मौसम विज्ञान दिवस और राम मनोहर लोहिया जयंती, ये सारे 23 मार्च को मनाए जाते हैं। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु शहीदी दिवस, विश्व मौसम विज्ञान दिवस, राम मनोहर लोहिया जयंती, ये सारे 23 मार्च को सेलिब्रेट किए जाते हैं। विश्व टीवी दिवस और ग्रामीण डाक जीवन बीमा दिवस, ये 24 मार्च को मनाया जाता है। बांग्लादेश का राष्ट्रीय दिवस ये 26 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट है गणेश शंकर विद्यार्थी का बलिदान दिवस। गणेश शंकर विद्यार्थी का बलिदान दिवस जो कि 25 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है। इसके अलावा है विश्व रंगमंच दिवस जो कि थिएटर दिवस भी, थिएटर डे भी जिसे बोलते हैं, वो 27 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है। ये है मार्च के डेज। अब हम चलते हैं अप्रैल पे, अप्रैल के डेज करेंगे। अप्रैल के डेज में विश्व ऑटिज्म चेतना दिवस जो कि 2 अप्रैल को मनाया जाता है, 2 अप्रैल। विश्व स्वास्थ्य दिवस जो कि 7 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट अंबेडकर जयंती, विश्व वाणी की एवं ब्रह्मांड की दिवस जो कि 14 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व हीमोफिलिया दिवस, विश्व हीमोफिलिया दिवस जो कि 17 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है। विश्व विरासत दिवस, विरासत दिवस ये 18 अप्रैल को मनाया जाता है। पृथ्वी दिवस, पृथ्वी दिवस जो कि 22 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है। और विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस जो कि 23 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है। ये मार्च अप्रैल तक के डेज हमने किए हैं। इसमें नेक्स्ट टाइम हम अप्रैल से आगे मई, जून, जुलाई, अगस्त के डेज करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और ज्यादा अपडेटिंग वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पर हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।